जवाब दे, ये जवाब दे डायरेक्टर शिपिंग सर्विस, खासकर यहाँ जिम्मेदारी पे जो अधिकारी है, एमई है, एमई है और वो इंजीनियर्स, ये कहाँ गया, किस तक पहुंचाया गया, इसके जरिए कितनों ने यहाँ पे बिल्डिंगें खड़ी की, अपने बैंक बैलेंस का बढ़ोतरी की और कितने अपने नियरेस्ट डियरेस्ट को गिफ्ट के तौर पे क्या क्या दिया, इसकी जानकारी होनी चाहिए आम जनता को। ये पैसा जो सरकार देती है, जो मिनिस्ट्री देती है, ये जनता का पैसा है। ऐसे ही कमाकर इनको छूट नहीं दिया जा सकता है बैंक बैलेंस बढ़ाने का, अगर ये सच है। और साथ ही साथ इनको बिल्डिंगें अपने ओन सहूलियतों के लिए खड़ी करने का। नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त में मैं खड़ा हूं, यहाँ मेरे ठीक पीछे मैरीन डॉकयार्ड है। ये मैरीन डॉकयार्ड, इसको ध्यान से देखिएगा। और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जो इंफॉर्मेशन इस वक्त हमारे पास आ रही है छन करके, वो सनसनीखेज वाक्या और वो वारदात घटना आपको बताने जा रहा हूँ। कहा जाता है और जो सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि 2 से 3 महीने पहले इसी हमारे जो डायरेक्टर शिपिंग सर्विस है, इन्होंने एक टेंडर कॉल किया था, जो स्क्रैप है, जो स्क्रैप है यानी कि अनयूज्ड जो मशीनरीज हैं और पार्ट्स हैं मैरीन डॉकयार्ड के भीतर, वो 500 टन का जो स्क्रैप है, 500 टन के स्क्रैप को जो है टेंडर कॉल किया गया था, बीडिंग हुई और जिस व्यक्ति ने जो बीडर ने हाईएस्ट कोट किया, जिस बीडर को ये प्राप्त हुआ, जब वो वास्तविकता में यहाँ स्क्रैप लेने पहुँचे और स्क्रैप को लेकर जब वजन करवाया गया, जो जितने स्क्रैप उनको मिले, जो डिपॉजिट हुआ अमाउंट था, जो रेट कोट किया गया था, उन्होंने उस बीडर ने 500 टन स्क्रैप के उन्होंने डिपॉजिट किए थे। लेकिन कहा जाता है कि उनको जो स्क्रैप मिले, प्राप्त हुए, वो 190 टन लगभग थे। 190 टन उनको मिले और उसके बाद जब जाके उन्होंने ये कहा, उनकी बातचीत हुई और बात बढ़ी, आगे बढ़ी, उसके बाद कहा जा रहा है कि यह अधिकारी जो है, उनको अचानक से याद आया, जब उन्होंने उनको एक तरीके से कह सकते हैं चेतावनी दी है और अपने अधिकार को मांगा है, 500 टन पूरे मटेरियल को मांगा है स्क्रैप के, तो उनको याद आया कि करीब 50 टन और जो स्क्रैप है वो कहीं और कोई गोडाउन में रखे गए थे। और उसके बाद कहा जा रहा है कि 260 टन माल जो है स्क्रैप डॉकयार्ड से, कहा जा रहा है नदारद है, गायब है। तो आप इसका आंकड़ा लगा सकते हैं, जो करोड़ों में आंका जा रहा है कि 260 टन। और यहां सिक्योरिटी देखिएगा, यहां आप बिना चेकिंग के भीतर नहीं जा सकते, बाहर आने के दौरान चेकिंग की जाती है। और ऐसे हालात में कहा जा रहा है 260 टन स्क्रैप, और ध्यान दीजिएगा स्क्रैप वो है, और यहाँ काम करने की शैली को भी आपको समझना होगा। डायरेक्टर शिपिंग सर्विस के, यहाँ डॉकयार्ड के, यहाँ तरह तरह के इल्जाम वर्षों से लगे हैं, लगातार लगते आए हैं यहाँ के जो घोटाले हैं उनके। हमें ये भी खबर है कि ये जो आमतौर पे जो मशीन जो चल सकती है, उसको भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है ये साठ गार्ड से, इंजीनियर्स के साठ गार्ड से इसको बिल्कुल नकारा बताया जाता था और उसको रिप्लेस कर दिया जाता था। रिप्लेस करने के बाद नए जो लाखों लाखों रुपए के इंजन है, करोड़ों के, वो लगाए जाते थे और इसको सुरक्षित तौर पे रख दिया जाता था। उसके बाद ये
कहीं ना कहीं किसी तरीके से गुपचुप तरीके से ये बाहर चला जाता था और आधे दामों में कह सकते हैं या फिर कैसे इसको वहां तक पहुंचा दिया जाता था। और ऐसे ही कामकाज यहां लगातार चल रहे हैं, कई मशीनरीज है, ऐसे पार्ट्स है जो काम में आ सकते हैं जिनकी कीमत लाखों लाखों में है। तो आप अनुमान लगाइए 260 टन माल की कीमत क्या होगी और जिसके आंकड़ा फिजिकली वहां पे वो सामान दिख नहीं रहा है, नजर नहीं आ रहा है, ऐसे कहा जा रहा है। तो यहां जो जिम्मेदार एमई है ये जिम्मेदारी उनपे है, जवाब इनको देना है कि ये 260 टन अगर माल यहां से गायब हुआ है तो कैसे हाईली सिक्योरिटी एरिया से गायब हुआ है और कब कब गायब हुआ है, कैसे जरिए से गायब हुआ है। यहां तक हमें सूचना है कि जब कोई सामान गेट से नहीं पार हो पाता है तो वहां उस तरफ समुद्री रास्ते से उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये सारी चीजों को इन्वेस्टिगेशन की जाए, तत्वों को खंगाला जाए। और इसके अलावा जो सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है, कहीं ऐसे फाइल जिसमें ऑडिट के दौरान फंसने की चांसेस है, यहाँ एमी कह लीजिए या एमी कह लीजिए जो भी यहाँ के जिम्मेदारी पे है, फंसने के है, कहा जा रहा है वहां कुछ फाइलें भी अगर ढूंढा जाए, देखा जाए, तफ्तीश की जाए, फाइलें भी गायब है। और साथ ही साथ अगर यहाँ के जो काम में आने वाले आप पेंट के बता लीजिए, पेंट के और जो मेटेरियल आते हैं उनकी भी जांच की जाए तो उसमें भी आपको करोड़ों का घोटाला नजर आएगा। बहरहाल ये जवाब दे डायरेक्टर शिपिंग सर्विस, खासकर यहाँ जिम्मेदारी पे जो अधिकारी है, एमई है और वो इंजीनियर्स, कि ये अगर ये गायब हुआ है 260 टन स्क्रैप, ये कहाँ गया, किस तक पहुंचाया गया, इसके जरिए कितनों ने यहाँ पे बिल्डिंगें खड़ी की, अपने बैंक बैलेंस का बढ़ोतरी की और कितने अपने नियरेस्ट डियरेस्ट को गिफ्ट के तौर पे क्या क्या दिया, इसकी जानकारी होनी चाहिए आम जनता को। ये पैसा जो सरकार देती है, जो मिनिस्ट्री देती है, ये जनता का पैसा है। ऐसे ही कमाकर इनको छूट नहीं दिया जा सकता है बैंक बैलेंस बढ़ाने का, अगर ये सच है। और साथ ही साथ इनको बिल्डिंगें अपने ओन सहूलियतों के लिए खड़ी करने का, इसके साथ और ये तमाम चीजें, आपको ये दरवाजा ये गेट बिल्कुल बंद दिख रहा होगा, शांत वातावरण है, लेकिन लगातार इसके भीतर क्या चल रहा है। सीबीआई और एंटी करप्शन से हमारा अनुरोध रहेगा कि इसकी सच्चाई को खंगाला जाए। ये मामला अगर सही है तो ये करोड़ों का ये आंकड़ा है। और ऐसे ही किसी को सरकारी पैसे और जनता के पैसे को खा करके चुप्पी साध लेने की इजाजत और भाग जाने की, बच जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती कानून में। और ऐसे ही तथ्य जो इसके अपडेट्स और आगे हमारे पास आते रहेंगे, ये हम आपको पहुंचाते रहेंगे, आप तक आपके सामने पेश करते रहेंगे। फिलहाल ये जो 190 टन उसके बाद 50 टन का मिलना, इंजीनियर साहब को याददाश्त जब खुली तो 50 टन और निकल पाया। हमारा अनुरोध रहेगा यहाँ के इंजीनियर्स और उच्च अधिकारी जो भीतर बैठे हैं, अपने याददाश्त पे और थोड़ा जोर लगाए तो कहीं ना कहीं भीतर के गोडाउन में या बाहर किसी दोस्त के गोडाउन में या फिर कहीं रिश्तेदार के गोडाउन में कहीं ना कहीं हो सकता है ये 260 टन भी बरामद हो जाए। जरूरत सिर्फ इतनी है कि ऑफिसर जो है अपने याददाश्त को और थोड़ा तेज करे और जोर करे, उस पर जोर लगाए तो ये सामान भी शायद बरामद हो जाए, अन्यथा ये बताए इसका हुआ क्या है। आज इसी सनसनीखेज जो न्यूज थी, खबर थी, ये आप तक हमने पहुंचाया। कमेंट बॉक्स में आप जरूर कहिएगा कि अगर ये बात सच है और सच निकलती है तो इस पे कार्रवाई क्या होनी चाहिए।
और इनको सजा क्या मिलनी चाहिए, जो वर्षों से चल रही धांधली यहाँ पे घोटाले हो रहे हैं, इसको सजा क्या मिलनी चाहिए, ये श्रोता दर्शकगण, श्रोता हमें बताए, हमारे व्यूअर्स हमें बताएं। बस आज इतना ही। मैं कैमरामैन मुर्गन के साथ अनुप दत्ता, न्यूज संघर्ष आज तक।